हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम बहुत ही आसान तरीके से ये सीखेंगे कि पुराने ओल्ड फ्रेम्स को फेंकने की जगह हम उन्हें रिवैम्प करेंगे और उनको बिल्कुल ही नया लुक दे देंगे। इस प्रक्रिया में जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं उसका मैं लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं। ये जो पुराने फ्रेम्स हैं मेरे पास, इसमें एक में तो कांच भी टूटा हुआ है, फिर भी मैं उसे यूज़ कर रही हूँ और रिवैम्प कर रही हूँ। इसमें मैंने चॉक पेंस का यूज़ किया है जो कि लिटिल बर्डी से हैं। अगर आपको चॉक पेंस नहीं परचेज करने हैं तो आप घर पे भी चॉक पेंस बना सकते हैं। उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें मैं घर पे चॉक पेंट कैसे बनाते हैं उसको सिखाऊंगी। यहाँ पर मैं ब्लू चॉक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप मेक श्योर कीजिए कि आप जो चॉक पेंट यूज़ कर रहे हैं उसका आप डबल कोट दें, क्योंकि एक कोट से चॉक पेंट का पता नहीं चलता है और उसमें अंदर से फोटो फ्रेम का कलर दिखाई देगा। तो आप उसको डबल कोट दीजिए, एक बार सूख जाए तो उसके बाद सेकेंड कोट दीजिए। अब सेकेंड फ्रेम पे मैं पिंक कलर के चॉक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी इच्छा के हिसाब से कोई भी कलर का चॉक पेंट यूज़ करें। इसमें भी दो कोट्स लगाइए ताकि नीचे के फ्रेम का कलर दिखाई ना दे। ब्लू वाला फ्रेम अब हमारा सूख चुका है तो उस पर अब हम डेकोपाज यूज करके उसको रिवैम्प करेंगे। डेकोपाज अगर आपको टेक्निक सीखनी है तो आप हमारा डेकोपाज वाला वीडियो देख सकते हैं, उससे आप आसानी से सीख जाएंगे। कोई भी प्रिंटेड टिश्यू पेपर ले लीजिए और उसके नीचे के लेयर्स हटा दीजिए, सिर्फ ऊपर वाला प्रिंटेड लेयर यूज़ कीजिए। यहाँ पर फोटो फ्रेम की शेप के अनुसार आप उसको कट करके आप उसके जहाँ पर सेट करना है वहाँ सेट कर लीजिए। इस फोटो फ्रेम पे मैं सिर्फ एजेस पे टिशू पेपर लगाऊंगी, सिर्फ टू एजेस पे, और बाकी दो एजेस को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगी ताकि वो कॉन्ट्रास्ट दे। मॉड पॉज का यूज़ करके मैं इसको अपने फोटो फ्रेम पे स्टिक कर रही हूँ। अगर आपके पास मॉड पॉज नहीं है तो आप मॉड पॉज की जगह वाइट ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल डायरेक्टली मत अप्लाई कीजिए, फेविकॉल में अगर वन पार्ट फेविकॉल है तो उसमें वन पार्ट वाटर मिक्स करके उसको यूज़ कीजिए। आपके ऊपर की लेयर को भी आप मॉड पॉज से कवर कर दीजिए और जो एक्सेस टिश्यू है उसको आप सैंड पेपर से आराम से निकाल लीजिए, वो निकल जाएगा। ऊपर से मॉड पॉज की लेयर देना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वो मेक श्योर करेगा कि आपका टिश्यू कहीं जाए ना। और इसमें वॉर्निश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बार मॉड पॉज लग जाए तो किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देने के लिए मैं यहाँ पर गेयर्स का यूज़ कर रही हूँ। ये MDF कटआउट्स हैं, ये भी आपको ऑनलाइन बहुत आराम से मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। इसको वाइट ग्लू से आप किसी भी डिज़ायर्ड जगह पर चिपका दीजिए, अलग सा यूनिक लुक देगा आपकी फ़ोटो फ्रेम को। तो लीजिए, हमारी फर्स्ट फोटो फ्रेम तैयार है। अब हम सेकेंड फोटो फ्रेम जिसको हमने पिंक चॉक पेंट से पेंट किया था उसको थोड़ा सा रिवैम्प करेंगे और अपसाइकल करेंगे। सेकेंड फ्रेम को थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए मैं मैकरोनी का यूज़ कर रही हूँ। ये रिबन मैकरोनी है, बहुत आराम से आपको मार्केट में अवेलेबली मिल जाएगी। यहाँ पर मैं वाइट चॉक पेंट से इसको पेंट कर रही हूँ। इसको डबल लेयर दीजिए ताकि वो नीचे का मैकरोनी का जो कलर है वो दिखाई ना दे। थोड़ा सा उसमें ग्लिटर और शिमर लाने के लिए मैं यहाँ फैब्रिक एक्रेलिक कलर का गोल्ड डस्ट यूज़ कर रही हूँ मैकरोनी में, थोड़ा सा ग्लिटर देने के लिए।
पिंक वाले फोटो फ्रेम पे मैं सिर्फ वन साइड कवर कर रही हूँ टिशू से, और उस टिशू को भी मैं पार्ट्स में कट कर रही हूँ। या इसमें हाथ से या कैंची से कट करने की जगह मैं पानी से थोड़ा सा ब्रश डिप किया यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो ब्लंट एजेस ना दे, स्मूथ एजेस दे। और डेकोपाज उससे बहुत ही फाइन फिनिशिंग देता है, ऐसा लगता नहीं है कि आपने ऊपर से चिपकाया है, ऐसा लगता है जैसे वो फ्रेम का ही पार्ट है। तो यहाँ पर मैं पानी लिए हुए ब्रश से अपने जो पार्ट मुझे चाहिए उसे निकाल रही हूँ, और फिर उस पार्ट को मैं मॉड पॉज से अपने फ्रेम पे जहाँ मुझे वो लगाना है वहाँ स्टिक कर दूँगी और अच्छे से चिपका दूँगी। मैं आपको पक्का से ये सुझाव दूंगी कि अगर आपको डेकोपाज की टेक्निक समझ में नहीं आ रही है तो मेरी डेकोपाज वाली बिगिनर्स वाली वीडियो ज़रूर देखें, आपको डेकोपाज की टेक्निक बहुत आराम से और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, और आपके लिए ये करना यहाँ पर और भी आसान हो जाएगा। ऊपर से सेकेंड ले मॉड पॉज की पक्का से दे, ताकि आपका टिशू अपनी जगह पे रहे और कहीं ना जाए। जो एक्सेस टिशू है वो आप सैंड पेपर से आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिस मैकरोनी को हमने पेंट किया था उस रिबन मैकरोनी को हम यूज़ करेंगे फ्रेम को डेकोरेट करने के लिए। आप देख लीजिए आप उसको कहाँ लगाना चाहते हैं, मैं उसको दोनों एजेस के साइड में लगा रही हूँ, ताकि वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलग सा लुक दें। ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपनी मर्जी से उसको कहीं भी स्टिक कर सकते हैं। मैं नॉर्मल वाइट ग्लू का यूज़ कर रही हूँ इसको चिपकाने के लिए, आप चाहें तो ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा सेकंड फ्रेम भी तैयार है, पिंक कलर का, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।